Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss the prose piece Deep Water by William Douglas from Flamingo. Let's just look at a little about the author. William Douglas was born in USA, leading advocate the ye, aur for at least 36 years ye judge bhi rahe hai, Supreme Court of USA ke. And he remained the longest serving justice in the history of the court. He was also an environmentalist. तो हम एक ऐसे personality के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आप सोच सकते हो, since he was the judge of Supreme Court of a place like, of a country like USA, alright, and he's been there for 36 years. एक जज बनने से पहले, यू नो, बिफोर हिज पर्सनैलिटी ब्लूम्ड, ही हैड अंडरगॉन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. इनके अंदर एक फोबिया था. फोबिया मीन्स डर, फोबिया ऑफ वाटर, ओके. बट अपने डिटर्मिनेशन और परसीवरेंस के साथ, नेवर से डाई एटीट्यूड के चलते, इन्होंने अपना जो फियर है, जो टेरर है, उसको ओवरकम किया और आगे चल के सक्सेसफुल हुए. तो बहुत ही इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज पीस है ये, ओके. सो बेसिकली इट्स एन एक्सट्रैक्ट. ये जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक मैन एंड माउंटेंस. टाइटल देख लेते हैं चिल्ड्रन. ये एक इडियम है. इडियम क्या होता है? जैसे हिंदी में हम मुहावरा बोलते हैं, ठीक है. तो डीप वाटर जो इडियम है, जो मुहावरा है, उसका मतलब होता है टू बी इन डीप ट्रबल, ओके. किसी परेशानी में, प्रॉब्लम में जब हम पड़ जाते हैं, तो इडियोमेटिकली हम उसे बोल सकते हैं दैट आई एम इन डीप वाटर, दैट और अ पर्सन इज इन डीप वाटर. थीम देखते हैं. थीम हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोज पीस के लिए, एंड आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले थीम के थ्रू आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सर्प्ट है, मीनिंग जो एक्सट्रैक्ट है, वो लिया गया है विलियम डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेंस में से. इस बुक में, मीनिंग अगर हम सिर्फ अपने चैप्टर पे फोकस करें जो आपके फ्लेमिंगो में है, तो उसमें विलियम डगलस इज टॉकिंग अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर और कैसे उन्होंने उस फियर को ओवरकम किया थ्रू करेज, डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. परसीवरेंस, परसीवरेंस का मतलब होता है नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब गिव अप नहीं करना. And if these are practiced, meaning एक बहुत important message है इस chapter का, कि अगर हमारे अंदर ये qualities हैं कि हम give up नहीं करते हैं, बहुत strong willpower है, तो हम किसी भी problem को solve कर सकते हैं, overcome कर सकते हैं. Values जो raised हैं through this prose piece, वो हैं determination, optimism, meaning you should be positive in your attitude, perseverance, meaning आपको give up नहीं करना है, diligence, meaning meticulousness and conscientiousness, okay, and openness to challenges, courage, endurance. यहाँ पे आप देखोगे, in this particular slide I have included one word each, you know, as a synonym for the value given here, so that अगर आपके MCQ based में ये वाली vocabulary used होती है, तो this should also be of some help to you. Moreover, this is gonna help you to build up your vocabulary basically. So let's move on. यहाँ हम देख लेते हैं कि जिस fear की बात हो रही है prose piece में, that is aquaphobia. Okay, the fear of water is known as aquaphobia. आपको ये ध्यान रखना है children कि ये hydrophobia नहीं है. बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में confuse हो रहे हैं that it is hydrophobia. No, hydrophobia and aquaphobia are two different phobias, two different kind of fear. Douglas जिस fear से, जिस phobia से गुजर रहा था, that is aquaphobia, which means any source of water that causes an excessive amount of anxiety, okay. अगर आप swimming pool में बहुत सारे water को देखते हो, किसी भी water body में आप जब बहुत सारा amount of water एक साथ देखते हो, even a bathtub
फुल ऑफ वाटर, तो आपको एंजाइटी होती है, आप परेशान होते हो, आपको यू नो नॉजियाटिक फील होता है, उसको एक्वाफोबिया बोलते हैं। तो यही वो फोबिया है जिसको अपने डिटर्मिनेशन के साथ डगलस ने ओवरकम किया था। लेट्स लुक एट दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर गिवन इन द प्रोस्पीस। ट्रेचरस विच मीन्स अनप्रिडिक्टेबल डेंजर, नॉट डिपेंडेबल और नॉट ट्रस्टवर्दी। सब्ड्यूड माई प्राइड विच मीन्स टू लोअर और रेस्ट्रेन द इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि डगलस के लेग्स बहुत स्किनी थे और स्विमिंग ट्रंक्स में उसके लेग्स शो कर रहे थे, तो उसने उस प्राइड को भी, अपने सेल्फ एस्टीम को लो किया उस समय में, एंड ही वेंट अहेड बिकॉज उसने सोच लिया था कि मुझे जो फियर है वो ओवरकम करना है। Then flailed at the surface, meaning to strike or lash out vigorously. जैसे जब कोई डूबता है तो हाथ पैर मारता है पानी में, तो ये फ्रेज उसके लिए यूज़ हुई है। Next, fishing for landlocked salmon, that is equal to fishing. Okay, salmon is a variety of a kind of fish. Next, misadventure. Misadventure को हम एक एक्सीडेंट की तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सीडेंट ये हुआ था, इट टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर। ओके, देन नेक्स्ट वन, बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मीनिंग कोई भी चीज़ जब फ्लोट करती है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है कि डगलस भी ये सोच रहा था कि वो एक बॉटल के कॉक की तरह वाटर पे फ्लोट करने लगेगा, ठीक है, थ्रू हिज स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, इसका मतलब है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, दैट इज टू स्विम अक्रॉस द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ये आपके बुक में मैप गिवन है, याकिमा रिवर की लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। दैट्स अ YMCA पूल एट याकिमा। प्रोस्पीस के बारे में देख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल है, राइटर इज नरेटिंग हिज ओन एक्सपीरियंस। He was 10 or 11 years old जब उसने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग। याकिमा रिवर में वो क्यों नहीं गया, क्योंकि याकिमा रिवर में बहुत सारे लोग ड्राउन हो चुके थे, इट वॉज डेंजरस। तो यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है, पहले भी एक बैड एक्सपीरियंस वाटर के साथ रहा था when he was 3 or 4 years of age at the river at California, when he was knocked down by the waves of a water, mein bari ho gaya tha, but he was along with his father. It was nothing serious. How do we know that? Because his father was laughing away. फिर हम देखते हैं आगे, डगलस की माता उसको वार्न करती है याकिमा रिवर पे नहीं जाना है, बिकॉज वो ट्रेचरस है, ट्रिकी है, सेफ लगता है लेकिन है नहीं। ही फेल्ट दैट YMCA पूल वॉज सेफर। YMCA पूल को सेफ क्यों बोला गया है, क्योंकि वो काफ़ी ग्रेजुअल था, जो उसका ड्रॉप था फ्रॉम द शैलो एंड टू द डीप एंड। शैलो जो एरिया था दैट वॉज 2 to 3 फीट डीप, और जो डीप वाला एरिया था दैट वॉज अबाउट 9 फीट इन डेप्थ, और स्लोप जो था बहुत ग्रेजुअल था। तो यहाँ पे बिकॉज डगलस जो था उसने वाटर विंग्स भी ले रखे थे, तो वो दैट वॉज टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्राउनिंग, तो वो सेफ था, ही वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट। यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब उसने स्विमिंग ट्रंक्स पहने तो उसके थिन लेग्स दिख रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत अशेम्ड फील कर रहा था, लेकिन उसने इस चीज़ को ओवरकम किया बिकॉज उसको अपने फियर को, अपने जो टेरर था उसको ओवरकम एनी हाउ करना था। डगलस सेज दैट ही हैड ऑलवेज डिसलाइक्ड वाटर। फिर वो कैलिफोर्निया के बीच का वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है व्हेन ही वाज 3 or 4 इयर्स ऑफ एज, और ही वाज नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स एंड ही वाज सो स्केयर्ड दैट ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ, बट उसके फादर ने उसको, हिज फादर वाज होल्डिंग ऑन टू हिम, एंड तब से डगलस के हार्ट में एक फियर आ गया वाटर को लेके। जब डगलस ने स्विमिंग पूल YMCA में ज्वाइन किया इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग, तो बाकी बच्चों को देख के धीरे धीरे उसने उन्हें कॉपी करना स्टार्ट किया, एंड ही स्टार्टेड गैदरिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंस। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट वंस ही वाज सिटिंग यू नो
एट द पोल वो थोड़ा जल्दी आ गया था, तो वहाँ पे और कोई भी नहीं था, ही वॉज जस्ट वेटिंग। उसको अपने आप से अकेले वाटर में, स्विमिंग पूल में जाने में बहुत डर लग रहा था, तो वो एज पे बैठ के ही वॉज जस्ट वेटिंग कि बाकी लोग भी आ जाए, देन ही वुड स्टार्ट स्विमिंग। सो बाय द टाइम व्हाट हैपेंड, दिस ब्रूजर ऑफ अ बॉय के, मतलब एक बॉय था जो बुली था, हाँ, और उसने डगलस को उठाया और वाटर के डीपर साइड में थ्रो कर दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ मिस एडवेंचर, ओके, मिस एडवेंचर एक्सीडेंट जिसको हम रेफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो मिस एडवेंचर का मतलब है उस ब्रूजर ऑफ अ बॉय, उस बुली ऑफ अ बॉय ने, ही जस्ट पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम टू द डीपर साइड ऑफ द पूल। यहाँ पे जहाँ मिस एडवेंचर की बात हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेकेंड बैड एक्सपीरियंस था डगलस का वाटर के साथ, एंड इट वॉज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस दैट इंस्टिल्ड फियर ऑफ वाटर। मतलब फियर तो ऑलरेडी उसके अंदर था, अब वो फियर टेरर में चेंज हो गया। बट येस, लाइक वी से एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, दिस मिस एडवेंचर शेप्ड हिम फॉर द रीडर एज एन इंडियरिंग 11 ईयर ओल्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये मिस एडवेंचर ही था जिसने आगे जाके उसको और स्ट्रॉन्ग विल पावर दिया, एंड ही सॉ टू इट दैट ही ओवरकेम दैट फियर। अच्छा, ड्यूरिंग द मिस एडवेंचर क्या क्या हुआ था, मतलब जो भी उसका स्ट्रगल रहा वाटर में, ओके, तो ऑल थ्रू दैट देयर इज अ मेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। जैसे कि जब वो एकदम से वाटर में गया तो ही वॉज नॉट पैनिक स्ट्रिकन, ही वॉज इन हिज सेंसेस एंड ही कुड थिंक स्ट्रेट एंड ही वॉज स्ट्रैटेजाइजिंग। मतलब बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था कि जब उसके फीट स्विमिंग पूल के टाइल से टच होगा, यू नो, तो वो स्ट्रैटेजाइज करेगा, ही वुड ट्राई टू जंप एंड कम आउट ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज इन वाटर, व्हेन द स्ट्रगल वेंट ऑन, तो कौन कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस उसके अंदर इवोक हो रही हैं, कंडीशन क्या थी उसकी। एक बार उसको ऐसे लगा दैट ही वुड डाई, द ओनली थिंग दैट ही वुड डाई उसकी प्लाइट, ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन। पहले वो पैनिक स्ट्रिकन नहीं था, उसके बाद वो पैनिक स्ट्रिकन भी हो गया, एंड बहुत सारे उसके इमोशंस भी अराउज हो रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, क्या अटेम्प्ट्स कर रहा है, अटेम्प्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑल दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, यू नो, इन द प्रोज पीस। लेट्स जस्ट लुक एट दिस चिल्ड्रन। हियर we see that, you know, as soon as he was picked up and tossed into the deep end, हाँ, वो क्या बोल रहा है, he was frightened but not yet frightened out of his wits। मतलब वो अभी भी समझ पा रहा था, सोच पा रहा था, प्लान कर पा रहा था, ओके, और एक स्ट्रैटेजी थी जो वो बार बार प्लान कर रहा था कि जैसे ही उसके फीट टच होंगे बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल से, ही वुड ट्राई टू स्प्रिंग अपवर्ड्स एंड कम आउट लाइक द कॉक ऑफ अ बॉटल। फिर हम यहाँ पे देखते हैं उसके अटेम्प्ट, ही इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू समथिंग और दी अदर। फिर उसकी कंडीशन देखी, ही वॉज फीलिंग सफोकेटेड, ही ट्राइड टू येल आउट स्क्रीम फॉर हेल्प बट उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे उसकी कंडीशन क्या हो गई थी, उसको ऐसे लग रहा था कि उसके जो लेग्स हैं वो डेड हो गए हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं, मतलब उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं था अपने लेग्स पे, एंड ही इज़ फीलिंग वेरी हेल्पलेस हियर बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू कमांड हिज लेग्स, ठीक है, एंड वो कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो उस चीज़ को भी वो एक नाइटमेयर से कंपेयर कर रहा है। एंड हियर अगेन वी सी हिज कंडीशन दैट हिज लेग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, डिजी फील कर रहा था, फिर भी वो स्ट्रैटेजाइज कर रहा है। तो ये इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल शो करता है चिल्ड्रन कि सी वी ह्यूमन बींग्स और इन दैट केस एनी लिविंग बींग, चाहे हम डेथ के जॉज में क्यों ना हो, यू नो, हम डेथ के बहुत क्लोज ही क्यों ना हो, लेकिन हम एंड मोमेंट तक, जब तक हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है, जब तक हम कर सकते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। वी डोंट गिव अप कि ठीक है इफ डेथ इज अप्रोचिंग सो वील गिव इन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल हमारा क्या बोलता है कि वी हैव टू ट्राई टू एस्केप डेथ टिल दी एंड, ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका जो फियर था वो टेरर में चेंज हो गया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है. और हियर ही सेज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो वही लोग समझ सकते हैं इफ़ दे हैव अंडरगॉन अ सिमिलर एक्सपीरियंस. अगर हमने और आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस को फेस किया तभी हम समझ सकते हैं विलियम डगलस उसकी क्या फीलिंग्स थी, व्हाट वाज ही अंडरगोइंग. एक पॉइंट ऐसा आया था उसके स्ट्रगल में जब उसको लग रहा था कि ही इज़ ऑलमोस्ट डेड, लेकिन जो उसके हेड में पाउंडिंग हो रही थी उससे उसने रियलाइज़ किया कि ओके ही वॉज स्टिल अलाइव. ठीक है, यहाँ पे आप फिर से स्ट्रैटेजी देखोगे, ही स्ट्रैटेजाइजिंग द सेम थिंग कि जैसे ही वुड हिट द बॉटम विद हिज फीट ही वुड ट्राई टू जंप अपवर्ड्स. तो पूरी मेहनत से पूरी ताकत लगा के ही इज़ ट्राइंग टू कम आउट बट कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे जो उसका टेरर है वो उसे कंपेयर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक होता है उसका जो टेरर था वो इंटेंसिटी में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है. ही इज़ ट्राइंग टू कॉल आउट टू हिज मदर बट नथिंग इज़ वर्किंग फॉर हिम. फिर हम देखते हैं, यू नो, व्हेन ही सेज देयर वाज लाइट आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल वाटर, हमको ये समझ में आता है कि ही इज़ बीन हेल्प्ड आउट. ठीक है, ही इज़ बीन टेकन आउट ऑफ वाटर एंड उसने सारे एफर्ट्स सीज कर दिए, मतलब स्टॉप कर दिए. ही इज़ नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग नाउ एंड ही इज़ ऑल्सो लूजिंग कॉन्शियसनेस. ठीक है, ही इज़ लूजिंग आउट एट ऑल कॉन्शियसनेस. सो वी अंडरस्टैंड कि जब वो ये बात बोल रहा है आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि वो फेंट हो गया है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल कॉन्शियसनेस. और जब ही रीगेन्स कॉन्शियसनेस, ठीक है, जब वो कॉन्शियसनेस को रीगेन करता है, होश में आता है, तब वो रियलाइज कर रहा है कि ही इज़ वॉमिटिंग और कोई उस बॉय को जिसने उसको थ्रो कर दिया था, दैट ब्रूजर ऑफ अ बॉय, बुली ऑफ अ बॉय, उसको डांट रहा है. और वो बॉय क्या बोल रहा था कि आई वॉज ओनली जोकिंग. ठीक है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट देखते हैं हम. आफ्टर इफेक्ट क्या था मिस एडवेंचर का, हमको ये ध्यान रखना है चिल्ड्रन, जितना मिस एडवेंचर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है उतना ही आफ्टर इफेक्ट ऑफ मिस एडवेंचर इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो हम देखते हैं क्या हुआ एज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ मिस एडवेंचर. जब उसके बाकी के सारे फ्रेंड्स स्विमिंग एंड बोटिंग एंड कैनोइंग ये सब इंजॉय करते थे तो वो नहीं कर पा रहा था. ठीक है, उससे पहले के बारे में अगर हम देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि ही फेल्ट वीक एंड ट्रेम्बलिंग. ठीक है, एंड ही शुक एंड क्राइड, ये उसके इमोशंस और फीलिंग्स हैं एज आफ्टर इफेक्ट ऑफ मिस एडवेंचर. कि एक हॉन्टिंग फियर उसके अंदर आ गया एंड जब वो बड़ा हो गया तभी भी वो इस चीज़ से उभर नहीं पाया. जब उसके बाकी के फ्रेंड्स इंजॉय करते थे तो उसकी सारी जो हॉलीडे होता था या जो भी ट्रिप्स होते थे, यू नो, सब वेस्ट हो जाते थे बिकॉज वो इंजॉय नहीं कर पाता था. After that, you know, he was determined. तब उसने सोचा कि you know, he must overcome this terror, this fear. क्यों? क्योंकि intensity उस terror की grow करती जा रही थी. एक ऐसा point आया जब वो उस terror को handicap word use करने लगा उसके लिए. Okay? So handicap means you are not able about something. So it is then that he decided to learn swimming. अच्छा, जब swimming learn कर रहा है वो, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव मार्क्ड सर्टन पॉइंट्स हियर. आप देखोगे कि उसने एक ऐसे इंस्ट्रक्टर को एम्प्लॉय किया स्विमिंग सीखने के लिए जिसने बहुत पेशेंटली, यू नो, उसको स्विमिंग सिखाया. ऑलराइट, सो आई विल जस्ट रीड दिस आउट फॉर यू. डगलस एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू गेट ओवर द टेरर दैट हिज मिस एडवेंचर हैड कॉज्ड. और ये जो इंस्ट्रक्टर था बहुत पेशेंट था और बिट बाय बिट उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमिंग करना सिखाया एंड देन उन सारे पीसेस को, यू नो, एक पजल की तरह इंटीग्रेटेड होल में कन्वर्ट कर दिया. ओके, लेट्स सी कैसे सिखाया था उसने. नंबर वन, इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम. नंबर टू, एक रोप अटैच कर दी उसने उस बेल्ट से. नंबर थ्री, पुली के थ्रू, यू नो, एक ओवरहेड केबल में से जा रही थी. नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. ठीक है, आप समझ रहे हो, एक रोप उसके बेल्ट से अटैच्ड है और दूसरा जो एंड है उस रोप का वो इंस्ट्रक्टर वॉज होल्डिंग ऑन टू, और वो क्या करता था, उस एंड को पुल करता रहता था. सो दैट वे डगलस वुड गो इन टू वाटर एंड कम आउट ऑफ वाटर. तो आप ये देखो कि आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर डे, दे वर जस्ट डूइंग दैट. ठीक है, उसके बाद उसने नंबर सिक्स, आप यहाँ देखोगे उसे क्या सिखाया, हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल. नंबर सिक्स एंड सेवन, इनहेल एंड एक्सहेल इन वाटर. नंबर एट, उसने उसको क्या सिखाया, हाउ टू किक हिज लेग्स. सो टिल वीक, आई मीन फॉर वीक्स टू गो, दे वर ओनली डूइंग दैट. ओके, सो ग्रेजुअली उसका फियर ऑफ वाटर तो ख़त्म हो गया, लेकिन ही वॉन्टेड टू नो, स्विमर तो वो बन गया, इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश. ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर लिया, लेकिन डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज वो सोचता था कि अगर वो अकेला होगा, अकेले स्विमिंग कर रहा होगा, तब कहीं दोबारा से उसका वो डर वापस तो नहीं आ जाएगा. ठीक है, सो वॉट डिड ही डू, यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज का मेंशन है. डगलस वेंट अप टू टाइटन टू कॉमरेड मेडोज, अप द कॉमरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर. ठीक है, वॉर्म लेक पे वो गया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अगर वो अकेले स्विम करता है तो उसको डर तो नहीं लगेगा, और दैट ही हैज़ रियली यू नो गॉट ओवर हिज टेरर. यहाँ पे आप देख सकते हो, लेक वेंट वर डगलस स्वॉर्म द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, टेरर फ्लेड एंड ही स्वॉर्म ऑन. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, व्हेन ही वाज इन द मिड ऑफ वार्म लेक, ठीक है, तो वो जो कुछ टेरर था, यू नो वेस्टिजेस ऑफ टेरर आपके प्रोज पीस में लिखा है, तो इट केम बैक टू हिम एंड इट इज़ देन दैट ही चैलेंज्ड हिज फियर. जैसे ही उसने अपने अपने फियर को चैलेंज किया, ही वाज फ्री ऑफ इट एंड ही बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड ही ओवरकेम हिज फियर. सो हम कह सकते हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है यू नो रिलेटेड टू दिस, हाउ डिड डगलस गेट रिड ऑफ हिज फियर, तो आपको समझना है व्हेन द इंस्ट्रक्टर वाज डन, डगलस स्टार्टेड अ सेल्फ ट्रेनिंग, फिर वो इन सारी जगहों पे गया, लेक वेंट्सवर्थ, ट्रिक्स आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड, टाइटन, कॉनराड मेडोज, कॉनराड क्रीक ट्रेल, मीट ग्लेशियर, वार्म लेक, एंड इट इज देन दैट ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोज पीस में, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ. ओके, रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के वर्ड्स हैं ये. एंड विलियम ओ डगलस अवर्शन टू वाटर बिगान विद हिज मदर्स वार्निंग अबाउट द याकिमा रिवर एंड अ चाइल्डहुड सी हॉलीडे वेयर ही फर्स्ट एक्सपीरियंस द पावर ऑफ वाटर. मिस एडवेंचर से उसका वो जो फियर था वो फोबिया में चेंज हो गया एंड फाइनली ही रियलाइज दैट इट हैड टर्न इंटू अ हैंडीकैप. सो अपने इंस्ट्रक्टर के हेल्प से उसने वो फियर को ओवरकम किया एंड फाइनली इट वॉज यू नो हिज ओन विल्पा, स्ट्रॉन्ग विल्पा, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से उसका जो फोबिया था वो पूरी तरह से, वो जो फियर था वो वैनिश हो गया. ठीक है, सो तब विलियम डगलस ने रियलाइज किया कि हम सिर्फ डर के नाम से डरते हैं ना, फियर ऑफ फियर, और ये अगर डिसअपियर हो जाता है तो हम ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं आगे चल के. Let's look at the figures of speech employed in the prose piece, children. Simile ke example dekh lete hain jo employed hai. I imagined I would bob to the surface like a cork. Theek hai, usne apne aap ko bottle ke cork se compare kiya hai. Second one, I struck at the wave as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. Okay, जो वो efforts कर रहा था उनको nightmare में जो एक irresistible force होता है जिससे हम fight करते हैं. Nightmare का मतलब होता है कोई बुरा सपना. तो अक्सर ऐसा होता है ना, सपने में, ड्रीम में हम देखते हैं, nightmare में हम देखते हैं कि हम fight back कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हम shout करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम भाग नहीं पा रहे हैं. तो एक irresistible force होता है जिससे आप nightmare में fight कर रहे होते. तो
यहाँ पे भी वो अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम. दैट्स वाई ही इज कंपेयरिंग हिज एफर्ट्स टू दैट ऑफ अ नाइटमेयर फाइटिंग एन इरेसिस्टेबल फोर्स. थर्ड वन, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यहाँ पे अपने टेरर को वो कंपेयर कर रहा है ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, अपने डर को वो मिस्टर टेरर बोल के यू नो एड्रेस कर रहा है और उसे चैलेंज कर रहा है. इट इज़ ओनली व्हेन ही चैलेंज्ड यू नो हिज टेरर दैट इट फ्लेड ऑफ. ठीक है, मेटाफर दैट इज कंपैरिजन, फियर को कंपेयर किया गया है डेथ से. सी द लाइन वेयर इट इज एम्प्लॉयड, द रेफरेंस, इन डेथ देयर इज पीस, there is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. Symbolism ka bhi example hai isme. Light symbolizes hope. Reference dekh lete hai, and then strangely there was light. So that's all for today, children. I hope this helps you out in your board examination. And please share and subscribe, children. God bless you all. Take care. All the best for your exam.